आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी भरवा मिर्च का अचार जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है ही, साथ ही बनाने में भी बहुत ही इजी है। इसको आप तुरंत बनाकर तुरंत ही खाना शुरू कर सकते हैं। इसको धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो इसके लिए ले ली है मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च। ये बहुत पतली नहीं है और ना ही बहुत बड़ी वाली मिर्च है, ये बीच की मिर्च है जिसमें अच्छे से भरावन भर जाएगा और ये इनका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो आपको लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि मिर्च हल्की सी मोटी हो, पतली वाली मिर्च हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और इनको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इनकी डंडी मैंने तोड़ दी है, साथ ही इसको मैंने आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा दिया था। आप चाहें तो कपड़े की हेल्प से इसको पोंछकर भी ले सकते हैं, बस हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। तो इन मिर्चों में अब हम चीरा लगाएंगे। चीरा लगाते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि मिर्चें पूरी तरह अलग ना हो, ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी जुड़ी रहें और बीच में हम तेज़ चाकू से चीरा लगा देंगे, जिससे ये देखिए इस तरह से ये बीच बीच में इसमें कैविटी दिखने लग जाएगी। आप अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो बीज निकाल भी सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों में चीरा लगा लिया है। अब हम इन्हें एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। आप चाहें तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो इसको हम डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला देंगे। पहले ही नमक और सिरका लगाने से मिर्चों में अच्छे से नमक चला जाएगा और खटास भी चली जाएगी, जिससे मिर्चों का अचार तुरंत ही खाने लायक हो जाएगा। इससे मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी और इनको भरना इजी हो जाएगा। नमक और सिरका हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। तब तक हम मिर्चों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने एक पैन और गैस को रखा है बिल्कुल मैंने धीमा। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून जीरा, 2.5 टेबल स्पून बनारसी राई, साथ ही हम लेंगे 4 टेबल स्पून मोटी वाली सौंफ, 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। हमें इसका ना ही तो रंग बदलना है और ना ही हमें इसमें धुआं निकालना है। हमें बस 2 से 3 मिनट तक इनमें सेक लगानी है, जिससे इनकी नमी निकल जाए और ये अच्छे से पिस जाए। और ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और मसाले अच्छे से सिक गए हैं, ये बहुत गर्म हो चुके हैं। और इनको थोड़ा सा ठंडा करके अब हम पीस लेंगे। मसाला हमें बहुत दरदरा नहीं चाहिए और ना ही बिल्कुल महीन पाउडर जैसा चाहिए, हल्का सा बीच का मसाला हमें पिसा हुआ चाहिए। ये देखिए मसाला पिस गया है। तो अब हम इसको एक बोल में ले लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ही लें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इनको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मसाला मिल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। आप तेल को पकाकर भी ले सकते हैं या फिर कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता हो आप वैसा तेल ले सकते हैं। ये सरसों का तेल है, मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मसाला बहुत ही सूखा है और भरने में नहीं आएगा तो यहाँ पर आप 1 टेबलस्पून तेल और डाल सकते हैं। और ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है और मिर्चों को भी 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए मिर्चों को भरते हैं। इसको हम अच्छे से खोलेंगे मिर्चों को और मसाला अच्छे से हम इसमें भर देंगे, जिससे मिर्चें हमारी बहुत ही अच्छे से भरी हों, खाली खाली ना हो। तो मसाला खूब अच्छे से आप इसके अंदर भरें, जिससे इसमें इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको हाथों में मसाले से जलन होती हो तो आप इसको भरने के लिए ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मिर्च बहुत अच्छे से भर गई है और इसी तरह हम सारी मिर्चें बहुत अच्छे से भर लेंगे। इस अचार को ना ही तो आपको धूप लगाने की ज़रूरत है और ना ही इसको बिल्कुल भी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं। बस इसको लंबे समय तक चलाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको जब भी आप निकालें तो सूखी चम्मच से ही निकालें, इसमें पानी नहीं लगे तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। और इसको फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही लंबे समय तक चल जाएगा। ये देखिए मैंने सारी मिर्चें इसी तरह भर ली हैं और थोड़ा सा मसाला बचा है। मिर्चों को स्टोर करने के लिए जार को भी आपको बिल्कुल साफ़ और सूखा लेना है। ये देखिए जार में मैंने सारी मिर्चें अच्छे से भर दी हैं और इनको थोड़ा सा दबा दिया है। अब इसमें जो सिरका बचा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे और जो थोड़ा सा मसाला बचा था उसको भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप तेल। मैंने यहाँ पर तेल को धुआं निकलने तक पका लिया था और ठंडा कर लिया है और इसको हम डाल देंगे। और ये देखिए
मिर्चों का अचार कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसको आपको धूप लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे तुरंत ही इंजॉय कर सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।